दोस्तों, रीच किसन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि वर्तमान समय में इस चैनल पर संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है संसद टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग संसद के दोनों ही सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही संसद के सदन हैं। कुछ मामलों में राज्यसभा और लोकसभा की स्थिति समान है, कुछ मामलों में लोकसभा को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है और कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो राज्यसभा को एक विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है जो शायद लोकसभा के पास नहीं है। तो इस तीनों ही पॉइंट को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि लास्ट में निष्कर्ष में कि क्या स्थिति बनती है। तो सबसे पहले हम उन बिंदुओं को देखेंगे जिसमें लोकसभा को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया है। एक इसमें पॉइंट पहला है नामकरण। नामकरण और प्रतिनिधित्व, लोकसभा ये इसीलिए इसको जनता का सदन भी कहा जाता है और दूसरी तरफ राज्यसभा जिसे राज्यों का सदन कहा जाता है। तो लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं, वहीं पर राज्यसभा के सदस्य मनोनीत और अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं। प्रतिनिधित्व की जहां तक बात है, ये जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी तरफ संख्या, सदस्य संख्या, कार्यकाल, इसको अगर देखें तो लोकसभा की सदस्य संख्या 552 हो सकती है वर्तमान समय में, 545, इसी तरीके से 250 हो सकती है और यह वर्तमान समय में 245 है। तो सदस्य संख्या के लिहाज से भी अगर देखा जाए तुलनात्मक रूप से तो लोकसभा की स्थिति मजबूत बनती है और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो जनता का सदन है, जनता के द्वारा चुना जाता है और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में जनता की शक्ति का प्रतिनिधित्व वहां पर किया जाता है और उसके भावना के रूप कानून भी निर्माण करने की अपेक्षा राज्य लोकसभा से किया जाता है। तो इस तरीके से सदस्य संख्या के लिहाज से भी राज्यसभा की तुलना में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली प्रतीत होता है। कार्यकाल की जहां तक बात है तो सामान्य स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसी तरीके से राज्यसभा की अगर देखा जाए तो वह एक अस्थायी सदन है और इसका कोई निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष का नहीं होता है बल्कि वह अनिश्चित काल तक गठन के बाद बना रहता है। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है जो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त होते हैं। कार्यकाल में अगर तुलना किया जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी हो सकता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसा कि पूर्व में चर्चा भी किया गया है कि आपातकाल के दौरान उसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस तरीके से नामकरण, प्रतिनिधित्व, संख्या, कार्यकाल इत्यादि के आधार पर अंतर होता है। अब हम चर्चा करते हैं साधारण विधेयक के संदर्भ में, क्योंकि संसद का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो कानून का निर्माण करना है और अब हम देखेंगे कि किस तरीके की भूमिका सामान्य परिस्थिति में और प्रथम दृष्टया दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, दोनों की शक्तियां समान प्रतीत होती हैं, लेकिन जब असहमति की स्थिति होती है, जब असहमति की स्थिति होती है तो उस समय लोकसभा की शक्ति बढ़ जाती है और राज्यसभा उसे 6 माह तक ही अपने पास रोक सकता है, क्योंकि आर्टिकल 108 के अंतर्गत जब यहां पर संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त जो है दोनों सदनों के जो है संयुक्त अधिवेशन के लिए आहूत किया जाता है सत्र को, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, तो उस समय ये ध्यान में रखना है कि विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है और साधारण बहुमत से पारित करने की स्थिति में चूंकि संख्या लोकसभा की ज्यादा होती है इसलिए लोकसभा अपने मत के अनुसार उस विधेयक को पारित कर देता है या राज्यसभा की तरफ से अगर प्रारंभ किया गया है
तो उसे अस्वीकार भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में साधारण विधेयक के संदर्भ में सामान्य स्थिति में शक्ति समान प्रतीत होते हुए भी असहमत की स्थिति में लोकसभा की शक्ति बढ़ जाती है। धन विधेयक के संदर्भ में अगर धन विधेयक के संदर्भ में हम लोग देखें तो धन विधेयक यानी कि जो कि बजट इत्यादि से संबंधित होता है, अनुदान की मांगों से संबंधित होता है, उसके संदर्भ में यह है कि 14 दिन तक ही शक्ति केवल राज्यसभा के पास है। यानी कि लोकसभा, चूंकि ये विधेयक भी लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाएगा और जब ये पारित करके दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में भेजा जाएगा तो राज्यसभा के पास मात्र 14 दिन का ही समय होगा कि वो विधेयक को स्वीकार करे, संशोधन करे या अस्वीकार करे। 14 दिन के बाद वह दोनों ही सदनों से स्वतः पारित माना जाएगा, अर्थात धन विधेयक के संदर्भ में भी राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से कम है। इसी तरीके से संविधान संशोधन विधेयक, अगर यहां पर विधेयक की बात किया जाए तो संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों ही सदनों की शक्ति जो है समान है। और यहां पर अगर कोई भी सदन एक दूसरे से सहमत नहीं है तो वह संविधान संशोधन नहीं हो सकता है, क्योंकि असहमति की स्थिति में साधारण विधेयक की तरह यहां पर संयुक्त दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहां देखा जाए तो दोनों की शक्तियां समान होती हैं। इसी तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण जो है स्थिति है, कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर अगर नियंत्रण की बात देखा जाए तो लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि कार्यपालिका जो है वो सामूहिक रूप से अनुच्छेद 75 के 3 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और इसके पीछे भी रीजन होता है कि लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए ये आवश्यक है कि लोकसभा को इतना शक्तिशाली बनाया जा सके कि व्यवहार में शक्ति को प्रयोग करने वाली मंत्रिपरिषद से वो सवाल पूछ सके कि आप जनता के हित में क्या कर रहे हैं, नीतियों का क्रियान्वयन किस तरीके से कर रहे हैं, विकास और कल्याण के कार्यक्रमों का जमीनी स्तर पर आप किस तरीके से उसे पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से नियंत्रण के संदर्भ में अगर कार्यपालिका पर देखा जाए तो वहां पर भी लोकसभा की शक्ति जो है कहीं ना कहीं राज्यसभा से अधिक प्रतीत होती है। तो ये सारे ही केसेस में अगर देखा जाए तो यहां पर लोकसभा की स्थिति को जो है शक्तिशाली बनाया गया है संविधान संशोधन को जो है छोड़कर, क्योंकि इसमें दोनों की स्थिति बराबर है। अगली कुछ स्थिति है जैसे निर्वाचन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यहां पर दोनों की स्थिति जो है समान दिखाया गया है। और इसी तरीके से पदच्युति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यहां पर जो है जो संकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं वो दोनों सदनों से पास होना आवश्यक है, जबकि राष्ट्रपति के संदर्भ में देखा जाए तो वो केवल राज्यसभा में ही पहले प्रस्तुत किए। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है और उसे संबंधित संकल्प को लाया जा रहा है तो वो सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, यद्यपि उससे लोकसभा का सहमत होना आवश्यक है परंतु लाना पहले उसे राज्यसभा में ही पड़ता है। तो निर्वाचन और पदच्युति के संदर्भ में दोनों की शक्तियां जो है समान प्रतीत होती हैं, लेकिन कुछ स्थिति है जिसमें विशिष्ट तरीके की व्यवस्था है जो राज्यसभा को दिया गया है, जैसे 249 और अनुच्छेद जो है 312। 249 में यह कहा गया है कि यदि राज्य सभा अपने सदस्यों के जो बहुमत के द्वारा विशेष बहुमत से राज्यसभा की किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करता है तो उस पर संसद कानून बना सकता है, यह शक्ति केवल राज्यसभा के पास है। इसी तरीके से 312 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा कोई अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में
कोई सेवा को स्थापित करने और निर्माण करने के संदर्भ में भी प्रस्ताव पारित कर सकता है। ये दोनों ही शक्तियां राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। और राज्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो संकल्प भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो ये तीन ऐसे केस और स्थिति हैं जहां पर राज्यसभा की शक्तियां विशिष्ट हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। लेकिन यहां पर ये ध्यान में रखना है कि इस तीनों ही मामले में लोकसभा से शक्तिशाली से नहीं बनाया गया है, यह राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति है। क्योंकि यह लोकसभा का कार्य ही नहीं है तो यहां पर उससे शक्तिशाली होने या न होने का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि यहां पर यह व्यवस्था जो है वो विशिष्ट रूप से राष्ट्र राज्य संविधान के द्वारा राज्यसभा को ही दिया गया है। तो यहां पर शक्तिशाली और तुलना करने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि यह राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति और स्थिति है। तो ये तीन प्रकार की जो स्थितियां बनती हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों की अगर तुलना किया जाए तो बेसिकली सरकार का उत्तरदायित्व बजट का पास करना और इसी तरीके से कानून का निर्माण, ये महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उसमें संसद के दोनों अंगों की अगर तुलना किया जाए तो वहां पर लोकसभा की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ती है। लेकिन इस आधार पर अगर ये सवाल किया जाए कि क्या राज्यसभा महत्वहीन है तो इस पे अलग से चर्चा करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के दोनों सदनों की अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए और निष्कर्ष निकाला जाए तो यह प्रतीत होता है कि लोकसभा की स्थिति राज्यसभा से तुलनात्मक रूप से शक्तिशाली बनाया गया। उसके पीछे का रीजन ये है, उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि वो जनता का सदन होता है, जनता के जनादेश उसमें अभिव्यक्त होते हैं, उसे जनता के हित के लिए कानून बनाना होता है और चूंकि उसे जनता में जवाब देना होता है, उसकी जवाबदेही होती है, 5 वर्ष में जनता की अदालत में जाना होता है, ऐसी स्थिति में उसे शक्तिशाली बनाया गया है और कार्यपालिका के लिए ये प्रावधान किया गया है वो अपने समस्त नीति और कार्य के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो और लोकसभा के माध्यम से वो जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति लोकसभा के सहयोगी के रूप में है, यद्यपि उसकी शक्ति लोकसभा से कम भले ही किंतु वह महत्वहीन नहीं है। तो आज के इस टॉपिक में जो है राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब यहाँ पर एक और स्थिति आती है कि क्या राज्यसभा निरर्थक है, तो ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेंगे। ये सवाल उठता है कि क्या राज्यसभा महत्वहीन है। जैसा कि राज्यों में विधान परिषद के गठन और उसके समाप्ति का प्रावधान किया गया है, यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक स्थिति में संसद 2 सदन से ही मिलकर के बनेगा, वहां पर दोनों सदनों का होना आवश्यक है। यद्यपि राष्ट्रपति बीच में होते हैं लेकिन अगर सदन की बात किया जाए तो वहां पर दोनों सदनों का होना आवश्यक है और इसके लिए प्रावधान संवैधानिक रूप से किया गया है। तो निश्चित तौर पर संविधान निर्माताओं ने कुछ महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना और इसका गठन इत्यादि की व्यवस्था किया होगा। दूसरी तरफ राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो अनुभवी लोगों का सदन कहा जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। चूंकि अनुभवी होते हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों की जानकारी होती है, तो कानून के निर्माण में ये मदद करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को उसमें जोड़ने और संशोधन करने की बात करते हैं या कुछ ऐसे भी सहायता सहयोग कर सकते हैं जो लोकसभा से जल्दबाजी में छूट गया हो। तो कुल मिलाकर के लोकसभा और राज्यसभा में तुलना करना इस आधार पर कि कौन शक्तिशाली, ये आवश्यक नहीं है, बल्कि इस संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है कि कानून निर्माण में राज्यसभा लोकसभा के सहयोगी के रूप में काम करता है और संसदीय शासन प्रणाली में दोनों ही सदन एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो अगर देखा जाए तो अनुभवी लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाता है, इसमें अनुभवी लोग आते हैं। दूसरा, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो जाता है,
क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से यहाँ पर लोगों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सहकारिता यहाँ नहीं है, सहकारिता में राज्यपाल राज्यों में प्रतिनिधित्व देता है। जल्दबाजी में विधेयकों को पारित होने से ये रोकता है। जनमत को समझने में मदद, जनमत को समझने में जो है ये मदद करता है, क्योंकि जब राज्यसभा के द्वारा उस पर विचार किया जाता रहता है, क्योंकि वहां पर भी तीनों ही वाचन की तरह से चर्चा किया जाता है, तो उस दौरान जनता अपनी इच्छा और अपने मत व्यक्त करती है, तो उस दौरान जनता के मत को समझने में आसानी होती है। और जनमत अगर उसमें कुछ संशोधन चाहता है तो राज्यसभा के द्वारा उसमें संशोधन करके विचार के लिए भेज दिया जाता है, और जब वो संशोधन को लोकसभा अगर चाहे तो स्वीकार कर सकता है और उसी रूप में वो विधेयक को पारित करवा सकता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं राज्यसभा महत्वहीन नहीं है, बल्कि वो लोकसभा के सहयोगी के रूप में काम करता है, और भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के अंतर्गत कानून निर्माण की प्रक्रिया में लोकसभा के पूरक के रूप में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। तो कुल मिलाकर के आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति के बारे में जो है अध्ययन किया कि उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। तो उसकी संवैधानिक स्थिति जो है वो लोकसभा के पूरक और सहयोगी के रूप में है, और भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था में विभिन्न विषयों और बिंदुओं पर कानून निर्माण करने में राज्यसभा लोकसभा की सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने दोनों का तुलनात्मक रूप में अध्ययन किया, और राज्यसभा के महत्व पर अगर कहीं से भी सवाल आता है तो आपको इस तरीके से अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित करना होगा। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने ये तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसे अध्ययन करेंगे, और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है संसद के इस टॉपिक को जो समझने में आपको ये टॉपिक मदद देगा। तो अगले लेक्चर में हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।